रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर के बैंकों में बंद या इनएक्टिव पड़े अकाउंट और अनक्लेम डिपॉजिट्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अकाउंट है जो कभी खुलवाया था लेकिन अब आप उसे यूज नहीं करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि आरबीआई ने क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो इन ऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम डिपॉजिट्स वाले अकाउंट्स के कस्टमर या उनके नॉमिनी या फिर कानूनी उत्तराधिकारी को ढूंढे और या तो अकाउंट रिएक्टिवेट कराए या फिर क्लेम सेटलमेंट करे। बैंक ने ये भी कहा है कि ऐसे अकाउंट्स की एक निश्चित अवधि पर समीक्षा करते रहे क्योंकि ऐसे अकाउंट्स में फ्रॉड होने का खतरा भी होता है और ये जो नए रूल्स हैं ये 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। अगर आपको नहीं पता इनऑपरेटिव अकाउंट कब होता है तो आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक कोई भी सेविंग या करंट अकाउंट इनऑपरेटिव तब माना जाएगा जब किसी कस्टमर ने 2 साल से ज्यादा से उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है, उसे हम इनऑपरेटिव और डॉर्मेंट अकाउंट कहते हैं। अब ये जानते हैं कि आरबीआई ने जो गाइडलाइंस जारी की है उनसे ग्राहकों को क्या फायदा होगा इन नए नियमों से। तो पहला, आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों को निष्क्रिय बचत खातों पर हमेशा ब्याज देते रहना होगा। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो भी गया है, इनऑपरेटिव है, तो भी आपको उस पे बचत खाते पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। दूसरा, इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस पेनल्टी नहीं लगेगी। थर्ड, सरकारी स्कीम वाले खातों में अगर 0 बैलेंस भी है तो भी उसे इनऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। आरबीआई ने बैंकों को क्या कुछ निर्देश दिए हैं? तो बैंकों को निर्देश मिला है कि ईमेल एसएमएस भेजकर इनऑपरेटिव अकाउंट से जो मालिक है उनको खोजा जाए, केवाईसी आसान हो, निष्क्रिय खाते में केवाईसी होते ही अकाउंट को फिर से चालू कर दिया जाए, दोबारा खाता चालू कराने पर बैंक ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लेगा, अर्जी मिलने के 3 दिन में बैंक के खाते को सक्रिय करना होगा यानी कि एक्टिव करना होगा, कस्टमर्स के पास अलर्ट जाए कि ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो खाता इनएक्टिव हो जाएगा ताकि जिनका अकाउंट 2 साल से ज्यादा से इनएक्टिव पड़ा हुआ है वो कोई भी ट्रांजैक्शन करके उसको एक्टिव बना ले। अगला है, निष्क्रिय खातों के दोबारा चालू होने पर 6 महीने उसकी निगरानी की जाएगी। अगला है कि बैंक लावारिस जमा यानी कि अनक्लेम डिपॉजिट्स खोजने की व्यवस्था वेबसाइट पर डालेंगे। अगला है कि निष्क्रिय बचत खातों से बैंक रकम निकासी नहीं कर पाएंगे यानी कि ऐसे अकाउंट जिनमें पैसा पड़ा हुआ है लेकिन वो इनऑपरेटिव हो गए हैं क्योंकि कस्टमर ने 2 साल से ज्यादा से उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो उसमें जो भी अमाउंट है उसको बैंक विदड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा डायरेक्शन दिया है आरबीआई ने सारे बैंक्स को। अगला पॉइंट है इसमें कि निष्क्रिय खातों और अनक्लेम डिपॉजिट्स की जानकारी सुरक्षित रखनी होगी। आपको बता दें कि ऐसा नियम है कि किसी भी बैंक में किसी ऐसे डिपॉजिट अकाउंट में जिसमें 10 सालों या उससे ज्यादा में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है या इस 10 सालों में या इससे ज्यादा अवधि से अकाउंट में अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा हुआ है तो इस डिपॉजिट को बैंक को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के पास भेज देना चाहिए जिसे आरबीआई चलाता है। और अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का मतलब यही होता है कि किसी भी बैंक अकाउंट में अगर 10 साल से ज्यादा से पैसे पड़े हैं और उसको क्लेम करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है तो उसे अनक्लेम डिपॉजिट्स कहते हैं। उसके लिए सरकार ने एक अलग से रूल भी चलाया हुआ है और ऐसे पैसे को बैंक को अपने पास नहीं रखने हैं, इनफैक्ट उसको डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में भेज देना चाहिए जिसको ऑपरेट आरबीआई करता है। तो अगर आपने भी 2 साल से ज्यादा से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की है, आपका अकाउंट इनऑपरेटिव पड़ा हुआ है तो ये खबर आपके लिए थी। अगर आप उसको एक्टिव करना चाहते हैं तो आप उसे एक्टिव भी कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।